पुलिस भर्ती में पेपर देने वाले छात्रों ने कंपनी बाग में काटा हंगामा। एडिशनल एसपी सहित भारी पुलिस बल पहुंची मौके पर। छात्रों की माने तो पुलिस भर्ती में 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट एवं 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है, जो कि पेपर से लगभग 2 से 3 घंटे पहले लीक हुआ, जो ट्विटर हैंडल टेलीग्राम पर डाला गया है। छात्रों की माने तो सारे क्वेश्चनों के आंसर हैंडराइटिंग में लिखकर इन सभी सोशल साइटों पर डाले गए। इसके बाद छात्रों में आक्रोश पैदा हो गया है एवं छात्र जिलाधिकारी कार्यालय शिकायत करने पहुंच गए हैं। उसके बाद ये सभी छात्र घंटाघर प्रदर्शन करने जा रहे थे, पुलिस ने इनको रास्ते में रोक लिया, जिससे ये सभी छात्र कंपनी बाग में जा घुसे, वहां पर प्रदर्शन करने लगे। सभी उग्र छात्रों को शांत करने के लिए पुलिस ने छात्रों में से एक छात्र को पकड़कर थाने में बिठा लिया। एडिशनल एसपी से बात करते समय छात्र उग्र दिखे और सभी छात्र न्याय की मांग करने लगे। सच्चाई क्या है ये तो नहीं पता कि पेपर लीक हुआ भी है या नहीं। पेपर लीक पहले भी होते रहे और छात्र इसी तरह सड़कों पर देखे गए हैं। छात्रों की माने तो पेपर लीक हुआ है और वो भी पेपर से 2 से 3 घंटे पहले। छात्रों ने पेपर दोबारा कराने की मांग की है। वहीं छात्रों ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में भर्ती कई सालों के बाद निकली है, हम सभी छात्रों ने इस पर काफी तैयारियां की है, लेकिन पेपर लीक होने से हमारा मनोबल गिरा है और अगर इसी तरह चलता रहा तो छात्र आगे भी आंदोलित होंगे। मेरा नाम विवेक उधौलिया है। क्या किस बात को लेकर आज जो है ये धरना प्रदर्शन था, क्या था? हम सभी लोगों के कितने अरमान थे, मतलब 5 साल, पहली बात तो ये 5 साल के बाद इतनी बड़ी भर्ती आई, हम लोग कब से इंतजार में थे, आज से 1.5 साल से डिले हो रही है भर्ती, अभी आई, हम लोग बड़े खुश थे और 1.5 महीने से लगातार अपना हर चीज नींद छोड़ के रात के 1-2 बजे तक हम लोग पढ़ाई की, खाने पीने का ध्यान नहीं दिया और हम लोग पेपर करके आए पूरी जी जान मेहनत के साथ। हम लोगों ने अधिक से अधिक अपना वहाँ पर 100% दिया, तब हम लोग 110-120 ऐसा कर पाए और हम उतने में अपना आपको सेफ मान रहे थे कि हम लोग पढ़ के आए हैं, इतना कर पाए हैं और पेपर की लेवल देखा जाए अगर तो हम लोगों का सिलेक्शन तो हो ही जाना है। लेकिन जब हम लोगों को बाहर आके पता चलता है कि भाई पेपर तो लीक हो चुका है, तो फिर हम लोगों का तो मतलब पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि भैया अब तो रोबोट से टक्कर हो गई, हम लोग रोबोट का मुकाबला थोड़ी कर पाएंगे, इंसान है भाई। हम लोगों ने अपनी पूरी आज क्या मांग कर रहे थे हम लोगों की ये है कि ये जो पेपर लीक हुए हैं चारों शिफ्ट के पेपर फिर से री एग्जाम। आश्वासन मिला आपको? आश्वासन अभी किसी प्रकार से कोई शांतिपूर्वक हम लोगों को आश्वासन नहीं मिला। ज्ञापन दिया है आपने? हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कलेक्ट्रेट में जाके, लेकिन अभी किसी प्रकार हम लोगों का संपर्क नहीं हुआ है। सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे? सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग बिल्कुल भी इसी तरह से अपनी आवाज उठाते रहेंगे और शांतिपूर्वक कोई भी धरना प्रदर्शन करेंगे। यादव जी, क्या मामला हुआ ये भर्ती बोर्ड को लेके पेपर लीक हुआ है, मांग कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? पेपर जो कि कल 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट का पेपर सुबह 10 बजे से लीक था, 10:30 से ट्विटर हैंडल पर चल रहा था और सब 3 बजे से पेपर था, 3 बजे जब 5 बजे पेपर खत्म हुआ तो हम लोगों ने देखा एजिटेड पेपर आया, 150 का 150 पूरा क्वेश्चन उसमें दिखा था, हल सहित पूरा संपूर्ण हल सहित पेपर था, हालांकि वो हैंडराइटिंग थी, ओरिजिनल पेपर नहीं था, हैंडराइटिंग थी, तो हैंडराइटिंग थी तो सेम तो क्वेश्चन तो सेम थे ना। इन्होंने बोला है 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट का भी पेपर लीक हुआ है। होगा लिखने में, मतलब कितने पहले पेपर लीक हुआ? हमारा यही कहने का मतलब है कि पेपर को रद्द किया जाए, दोबारा से एग्जाम कराया जाए और निष्पक्ष तरीके से एग्जाम कराया जाए, कोई भी लीक की। पेपर लीक किस किस चीज पे हुआ है? पूरा लीक है, पूरा ट्विटर पे पेपर चला, व्हाट्सएप पे पेपर चला, ये कोई एडिटिंग नहीं है, कोई एडिटिंग 10 बजे क्या एडिटिंग होती है सर? 10 बजे कोई एडिटिंग वाला पेपर 9 बजे अभी पुलिस प्रशासन आया, इनसे क्या मांग रखी, क्या बातें मानी गई? और हमने बोला इनको बताया, ये लोग बोल रहे हैं कि भर्ती बोर्ड पे हम आपका जो है संज्ञान दिया है उसको भेजेंगे और भर्ती बोर्ड उस पर प्रक्रिया करेगा, इनके तरह से यही बातचीत मिली है अभी और कुछ नहीं मिला। और बाकी सब इन्होंने बोला अभी आप घर जाइए, अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं की जाती है तो फिर आप अपना कदम उठा सकते हैं। क्या करेंगे आप? फिर से हम सीएम सांसद जी के पास जाएंगे या विधायक जी के पास जाएंगे, यही प्रतिक्रिया कर सकते हो, हमारे पास क्या है? धरना प्रदर्शन करेंगे हम लोग अगर रद्द नहीं। और एक बात आपको बता देते हैं, अगर संपूर्ण निर्णय चाहिए तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में निर्णय दिख जाएगा इस चीज का, अगर इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की जाती है। हम भी मतदाता है, हम भी मतदान देंगे, हमें पता है किसको मतदान देना, जो हमारे खिलाफ बोलेगा। राजीव यादव नाम है हमारा और हम लोग सभी छात्र जो 17 और 18 तारीख को यूपी पुलिस का इतनी बड़ी संख्या में यूपी पुलिस का कांस्टेबल का पेपर हुआ है, तो 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट और 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट दोनों का पेपर टेलीग्राम पे बहुत ही बड़ी संख्या में लाखों बच्चों के पास पहुंचा है। तो हम लोग ये छात्र मांग रख रहे हैं कि निष्पक्ष उसकी जांच की जाए और हमारे अधिकारी जो हमारे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर दावा करते हैं कि नकल माफिया वो हमारे प्रदेश में ही नहीं मचाई, ये सब हवाई हवाई बातें ऊपर से चल रही हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है।
तो इतनी बड़ी अगर स्तर पे नकल हुई है तो हम छात्र जो लाइब्रेरी में आप लोग भी देखते रहते, इतनी बड़ी संख्या में लाइब्रेरी है, सब लोग छात्र दिन रात पढ़ रहे, 15-16 घंटे वहाँ पर बैठ के पढ़ रहे, अगर इस तरीके पे अगर यदि नकल हुई होगी तो हम लोग यदि इतनी मेहनत करने के बाद भी 230-240 नंबर ला सकते, लेकिन ये नकल माफिया तो फिर वही भर्ती हो जाएगी। तो क्या लग रहा है पेपर लीक हुआ है? पेपर लीक हुआ है कहाँ कहाँ? ये लीक हुआ, ये प्रदेश में हर जगह हुआ है, कितनी जगह हुआ है ये बता नहीं सकते, पूरे प्रदेश में हुआ है। अच्छा, आज आप लोगों ने क्या किया? आज हम लोग यहाँ ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट में आए थे, यहाँ पर आए थे, घंटा घर पे जा रहे थे कि हमारा कोई जनप्रतिनिधि या आला अधिकारी आए, एडिशनल एसपी साहब आए, लेकिन संतुष्ट तरीके से जवाब दिया, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से नहीं दिया। उस बच्चों से बत्ती में जवाब से गया एक हमारे छात्र के लिए पकड़ के वो पीट के लिए कोतवाली दी गई।